हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे आप लोग। तो प्यारे साथियों, आज है यमत्री बामू का महारिविजन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और ये बाद में भी काम आएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आएगा। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना करते हुए आज शुरू करते हैं बड़े प्यार से। पहला क्वेश्चन देखो। हाँ, और एक बात, वेक्टर के मैं बहुत सारे बना चुका हूँ। वेक्टर का मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है, वेक्टर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, वो अच्छे से देख लो। और बाकी वीडियोस भी मैंने थोड़े अपलोड किए हैं पहले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ, और इसमें उसके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसके बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही कवर है अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, तो टेंशन ना ले। ओके, पहला क्वेश्चन, एमसीक्यूज ऑफ क्या है ये, M3 बामू, डॉक्टर बामू। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपका स्वागत करता हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज, सो इसको QD बोलते हैं, तो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ओके, ऊपर माइनस नीचे प्लस, उसके बाद में लाइन ऑफ रिग्रेशन होता है y ऑन x। तो y ऑन x है तो y माइनस y बार इज इक्वल टू x माइनस x बार, तो ये होगा r y ऑन x यानी सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, y ऊपर x नीचे, y ऑन x यानी y ऊपर x नीचे, और इधर y ऑन x है तो y y वाले लेफ्ट में, x वाले राइट में। यहां पर लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, यहां पे क्या करना है, x माइनस x बार r एज इट इज सिग्मा x अपॉन y इंटू y माइनस y बार। अच्छे से याद रखो, क्वार्टाइल डिवीजन में ऊपर माइनस नीचे प्लस इंटू 100, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स यानी वाई वाले लेफ्ट में, एक्स वाले राइट में, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यहां पर एक्स और वाई है तो एक्स वाले लेफ्ट में, एक वाई वाले राइट में, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। टेक्निक के साथ लर्न करो दोस्तों। ओके, टेंशन ना लो। ये हुए अभी तीन क्वेश्चन आपके, इमीडिएटली देखो टाइम कम है अपने पास, महारिविजन है मतलब क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों आज। पीडीएफ ये क्वेश्चन में ऊपर लिखता हूं, पीडीएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज। हाँ, और एक बात, कुछ लोग सोचेंगे ऑप्शन नहीं दिए, अरे क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, तो वही है क्वेश्चन, उसी के है। पीडीएफ यानी क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो इसका होगा पी ऑफ आर इन टू द पावर माइनस यम इंटू यम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। अब कहीं कहीं आर की जगह एक्स भी आ सकता, तो यहां पर जहां जहां आर है एज पर क्वेश्चन बैंक वहां पे एक्स आया है जहां तक मैंने देखा है। उसके बाद का क्वेश्चन है, मीन इन पॉइजन पीना नहीं है, पॉइजन लिखना है। ओके, मैं तो, मेरे टेंशन आ गया, पॉइजन ऐसा नहीं, एम इज इक्वल टू एन पी, एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहां पर भी वही है, यम यानी मीन। ओके, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इट द पावर माइनस यम इंटू यम टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, या फिर एक्स की जगह आर भी आ सकता है, दोनों मैथमेटिकली करेक्ट है। तो उसके ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बार बार मुझे बुक देखना या मोबाइल में क्वेश्चन देखना पॉसिबल नहीं है। एक ही मोबाइल है मेरे पास जिससे मैं एडिट भी करता हूं और पूरा शूट भी करता हूं, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे अभी। हाँ, इसके अलावा अगर क्वेश्चन इसका आता है, पीडीएफ ऑफ अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला अगर पूछते हैं इनकेस, तो ये क्या होगा आपको, पी ऑफ आर एन सी आर छोटा पी टू द पावर आर इंटू छोटा क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो कहीं कहीं आपका आर की जगह एक्स भी दिया हुआ हो सकता है। ओके दोस्तों, तो यहां पे भी एनसी एक्स होगा, एनसीआर छोटा पी टू द पावर आर इंटू छोटा क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो एक्स आया तो एक्स होगा, आर आया तो आर होगा। ये था प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के बारे में और कुछ फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स के, इनकेस में भी मीन मीडियन मोड के भी फॉर्मूले आप देख लो। उसके अलावा एसडी का भी फॉर्मूला होता है, इन केस अगर एसडी का फॉर्मूला आता है तो एच इनटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई डी आई होल स्क्वायर अपॉन एन
माइनस समेशन ऑफ एफ आर डी आई अपॉन एन, एक मिनट ये ऐसा है, हाँ ये होल स्क्वायर, ओके सो एन यानी समेशन ऑफ एफ आई होता है, एक सेकंड, हाँ समेशन ऑफ एफ आर डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ आर डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ओके अभी बाकी आगे बढ़ते हैं, वो तो माइनर माइनर बात हो गई, मीन का भी फॉर्मूला होता है आप बाद में देख सकते हैं, फिलहाल अब बात करेंगे थोड़ा सा, देखो सब में ज्यादा क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में है एलडी टॉपिक के, एंड आई थिंक ज्यादा एलडी पे ही पूछा जाएगा, तो जरा थोड़ा अच्छे से ख्याल देना है, ये तो पांचट पुंचट थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अभी जरा मजे वाले क्वेश्चन है, अमोनियम टू एम थ्री एम एन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइव ऑफ डी इक्वल टू जीरो रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट सोल्यूशन इज, मतलब उनका बोलना है कि m1, m2, m3 अप टू डॉट 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 mn आर रूट्स ऑफ फाइव ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, देन रो भी रियल एंड डिस्टिंक्ट आर रूट्स, मतलब रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एक ही होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक मिनट ऊपर दिख रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ दिख रहा है पी आई, तो इसका जीरो ही होगा, सी एफ इसका होगा सी वन इट द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू इट द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री इट द पावर एम थ्री एक्स प्लस डॉट 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 सी एन इट द पावर एम एन एक्स, और इसका पी आई जीरो होगा, ये क्वेश्चन है एम वन एम टू एम थ्री एम एन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइव ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ओके देन सोल्यूशन ऑफ फाइव ऑफ डी इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो इज डॉट डॉट डॉट, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और पी आई जीरो है, तो यही इसका आंसर हो गया, तो फाइनल आंसर इसका ये है, आप एम मतलब जो चार ऑप्शन है उसमें से देख सकते हैं सी वन इंटू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू इंट द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री इंटू द पावर एम थ्री एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी एन इंटू इंट द पावर एम एन एक्स, ओके तो जो क्वेश्चन मैंने बहुत नीचे लिखे या बहुत बारीक लिखे हैं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, और बाय द वे अपन अब जगह भी करेंगे इसको, हाँ अब यहां पर इफ अल्फा एम वन सॉरी इफ एम वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा कॉमा एम टू इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा आर रूट्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर फाइव ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, देन सोल्यूशन इज, देखो दोस्तों सीधी सी बात है अपनी लैंग्वेज में आपको याद दिला दूं मैं, रूट्स आर इमेजिनरी रिपीटेड, रूट्स आर इमेजिनरी रिपीटेड, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा दोनों को कंबाइन करके अपन कैसा लिखते थे, ऐसा लिखते थे डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसका सी एफ लिखते थे अपन इंटू द पावर अल्फा एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू सॉरी प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स, ऐसा लिखा तो भी चलता, पी आई जीरो है इसका क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है, मतलब ये वाई हुआ आपका वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इफ आर एच एस इज इक्वल टू जीरो देन पी आई जीरो होता है, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है y is equal to cf plus pi, राइट हैंड साइड जीरो तो pi रहता ही नहीं, मतलब cf ही उसका आंसर हो जाता, तो यहां पर ऐसा है, बट आपके क्वेश्चन बैंक में इसको ऐसा लिखा है ये भी चलता है, देखो आप कैसा सी वन एक्स प्लस सी टू कॉन्स्टेंट की एरा वेरिएबल्स है कि नहीं, आम्ही पुण्याचे आम्ही पुणेकर बात एक ही छे, उन्होंने ये दिया है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट लो दोनों भी मैथमेटिकली करेक्ट होगा, ओके दोस्तों उसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं, यस फटाफट फटाफट टाइम लिमिट और क्वेश्चंस बहुत सारे, मैं अकेला प्रॉब्लम थे 50 पचासों ने मिलके एक को मारा, ओके सो वन अपॉन डी प्लस एम ऑपरेटिंग ऑन योर टॉपिक्स, कोरोना काल में और एक प्रॉब्लम इतने सारे प्रॉब्लम वेयर डी इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स,
एंड यम इज कॉन्स्टेंट। यस फ्रेंड्स, देन सो ये वन अपॉन डी प्लस यम ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स। आपको मैं याद दिलाता हूं, ये मेथड है जनरल मेथड। कौन सा मेथड है? जनरल मेथड है ये। वैसा ही वन अपॉन डी प्लस ए होता था। मैं आपको अपना याद दिलाता हूं एक बार, ये हटा साउंड की घटा, अपना चला। अपना कैसा था? ऐसा था, अंदर प्लस बाहर माइनस इंटू कैपिटल एक्स डी एक्स। तो इसका क्या होगा? इट द पावर यम एक्स, अंदर प्लस बाहर माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा होगा। इसका करेक्ट आंसर ये है, आपके शीट में आप देख सकते हैं या आपके क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा मेहनत करो, झेरोक्स सेंटर पे जाके झेरोक्स मार के लाओ। ये पीडीएफ में पढ़ाई करना कैसे बोर होता है यार, ना कुछ समझ में आता, ना वो पढ़ने का दिल करता, और घर वालों को भी लगता है मोबाइल खेल रहा। तो बेहतर है आप उसका पीडीएफ झेरोक्स मार के लाओ, घर वाले आपको चाय ला के देंगे, बेटा आप बहुत पढ़ाई कर रहे, चाय पियो चलो। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन है, पी आई ऑफ एल डी फाइव ऑफ डी इंटू आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज। तो दोस्तों इसका पी आई होगा वन अपॉन फाइव ऑफ डी, फाइव ऑफ डी यानी फंक्शन इन डी, वन अपॉन फाइव ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स होता है, वाई नहीं होता उसमें। तो ये पी आई का ये जहां पे होगा ये करेक्ट आंसर होगा उसका। ये भी क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद में का थोड़ा इजी इजी पहले ले लेते हैं दोस्तों, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, नॉर्मली ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फाई ऑफ डी इंटू आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर रहा, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है फाई ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो। डी वाला जो इक्वेशन है वो होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ये भी हो गया छोटा वाला। छोटे छोटे क्वेश्चन पहले निपटा देता मैं, ताकि अपने को बाद में फिर बड़े क्वेश्चंस को टाइम मिलेगा। ओके, ये देख लो अच्छे से। चलो चलो दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इज। एक मिनट, आप फ्रेम में आ रहे हैं ना, मैं लिख तो रहा हूं। हाँ, कैसा है इसको, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे। आपको पता है डी वाई डी एक्स क्या होता है? डी होता है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी वाला इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आई इंटू वन। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो सी एफ होगा e to the power alpha x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x, alpha यानी 0, beta यानी 1, but e to the power 0 x यानी 1। तो ये होगा डायरेक्ट c1 cos x plus c2 sin x, ये हुआ आपका cf, और pi होता है 0। तो complete solution is y is equal to cf plus pi। अब दोस्तों pi 0 है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, so y was c1 cos x plus c2 sin x। देख लो अच्छे से, एक एक स्टेप बताया है, माइनस वन यानी आई स्क्वायर होता है, पूरा अच्छे से एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मुझे ऑप्शन बताने को टाइम नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई और डिजिटल कंटेंट है नहीं, या और कोई जुगाड़ नहीं है, जो है अपने पास वो रिसोर्सेस, उसी का यूज करके मैं पढ़ा सकता हूं। हाँ दोस्तों, इसमें और एक क्वेश्चन आसान, मतलब इन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो छोटे हैं वो पहले ले लेंगे, फिर बाद में जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको अपने को टाइम देते आएंगे। रिलैक्स, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाऊंगा। इन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑफ एलडी, ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, चार ऑप्शन दिया है भैया। So, W is equal to correct answer y1, y2, y1 dash, y2 dash। ये correct answer है, इसको Wronskian बोलते हैं।
मोस्ट करेक्ट आंसर, या ऐसा भी चलता वाई वन वाई वन डैश वाई टू वाई टू डैश, बट ज्यादातर ये वैलिड माना जाता है। हाँ ये भी एक हो गया इन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो हो गया वो मिटा देंगे ताकि फिर अपने को थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। एक मिनट, पी आई ऑफ वन अपॉन फाइव ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पी आई एंड फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो इज, तो इसका पी आई होगा, देखो ये नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब केस फेल नहीं हो रहा है, तो ये होगा फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसे ही होगा ये। अगर ये जीरो कर दिया होता उन्होंने इक्वल टू जीरो तो फिर ये चेंज हुआ होता, अब साइन की जगह आप कॉस भी लिख सकते इंस्टेड ऑफ साइन, उसकी उसी के नीचे क्वेश्चन है कॉस, क्वेश्चन बैंक में आप देख लो, तो ये ऐसा ही होगा। सिर्फ आपको इतना यहाँ पे अगर थ्योरी पेपर है तो मेंशन करना होगा ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब केस फेल नहीं हुआ, केस फेल नहीं हुआ और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक में ही मैंने दो बता दिया, साइन का भी और कॉस का भी, जैसे क्वेश्चन बैंक में था उस हिसाब से। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना, यस हाँ, उसके अलावा एक छठा क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एल डी डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस थ्री डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज, ये नीचे के क्वेश्चन एक बार निपटा लिया क्या? फिर वो मतलब नीचे क्वेश्चन में रिपीट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो नीचे दिखते नहीं ना फ्रेम में, इसलिए ऊपर लिखना पड़ रहा है और इतने जगह में एडजस्ट करना पड़ रहा है, ये अपना आंसर का है, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। लेट डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, देयरफॉर डी क्यू प्लस थ्री डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ डी और फाइव ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो, यानी डी वाला इक्वेशन डी क्यू प्लस थ्री डी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी इंटू डी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी ये होगा डी इज इक्वल टू जीरो डी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री उधर जाके होगा माइनस थ्री, देयरफॉर डी इज इक्वल टू जीरो कॉमा डी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू आई स्क्वायर माइनस, यानी आई स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री आई। तो पहला हुआ रियल एंड डिफरेंट और ये हुआ इमेजिनरी। अब इमेजिनरी में अल्फा प्लस माइनस बीटा फॉर्म, इसको अल्फा समझो, इसको क्या समझो, ओके सी एफ सी वन इट द पावर एम वन एक्स प्लस इट द पावर अल्फा एक्स सी टू कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ बीटा एक्स, ये होता है रियल फॉर्मेट इसका। तो यम वन यानी यम वन पकड़ लो इसको, जीरो हो गए, अल्फा यानी ये रियल जीरो है और बीटा यानी इसका रूट थ्री है फॉर्मेट, सो इट द पावर जीरो एक्स इट द पावर जीरो एक्स दोनों भी इक्वल टू वन होता है, सो ये आया सी वन प्लस सी टू कॉस ऑफ रूट थ्री एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ रूट थ्री एक्स। देख लो दोस्तों अच्छे से, एक एक स्टेप देख लो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, एक एक स्टेप मैंने बताया है, आई होप आपको समझ रहा होगा, एक एक स्टेप देख के लिख के लो, आप ये रट्टा नहीं मार सकते बस, याद रहे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, मैं यही हूं अभी और भी मंजिलें बाकी हैं, अभी और भी कारवा बाकी है। अब इसके अलावा इफ पी आई ऑफ एल डी विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, पी आई का बताया था ना शायद मैंने, पी आई ऑफ एल डी, हाँ ओके फाइव ऑफ डी इंटू आई, सो पी आई होता है वन अपॉन फाइव ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे होगा वो पी आई ऑफ एल डी विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट फाइव ऑफ डी इंटू आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा आपका पी ऑफ सॉरी पी आई, एफ ऑफ एक्स की जगह कैपिटल एक्स भी हो सकता है और फाइव ऑफ डी की जगह एफ ऑफ डी भी हो सकता है अगर चेंज हुआ थोड़ा बहुत, सो पी आई ऑफ एल डी विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट ये भी हो गया।
इसके अलावा और एक स्मॉल आंसर क्वेश्चन में दोस्तों, देखो सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो आप, डी क्यूब प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू -1 अगर पुट कर दिया अपन ने इसमें, तो ये यहाँ पे अपने को 0 मिलता है, -1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6 ये 0 मिलता है, मतलब ये उसका रूट हुआ। मैं आपको याद दिलाता मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, कौन सा डिवीजन, मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने शायद पहले बताया होगा, बट अब स्टूडेंट्स क्या है, उनको रेडीमेड अगर मिल रहा है ना, उनको वैल्यू नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा पिछले वीडियोस देखो, मेरे बहुत वीडियो बनाए हैं, लेट मी टेल यू टोटल मेरे 110 वीडियो कम से कम बने, 110 111, कुछ मैंने डिलीट किए उसमें से, मान लो 105 तो होंगे ही, तो थोड़ा सा देखते चलो, ताकि मतलब मेरे वॉच टाइम का कोई इशू नहीं, बट आपका फायदा हो जाएगा ना। सो डी इज इक्वल टू -1, इसके कोएफिशिएंट ले लो 1, इसका कोएफिशिएंट 6, इसका 11, इसका 6, 1 नीचे लो एज इट इज, 1 इंटू -1 -1, 6 -1 5, 5 इंटू -1 -5, 11 -5 6, 6 इंटू -1 -6, ये वाज 0, मतलब इसके फैक्टर आए, एक फैक्टर आया, दैट इज इसी का मतलब है डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये कॉन्स्टेंट होता है, ये डी वाला होता है और ये डी स्क्वायर वाला होता है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, और इसके एक मिनट, इतना भी डायरेक्ट ना को यार, अपने स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, 2 3 6 फैक्टर फाइंड करो इसके, 6 के लिए 2 3 6 2 प्लस 3 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो। हाँ, तो ये होगा डी इज इक्वल टू -1 -2 -3, रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इसका हमें क्या फाइंड करना है भाई, सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका पीआई ऑटोमेटिक क्या हुआ, 0 हुआ, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, तो सीएफ होता है c1 इट द पावर m1x यानी -x, c2 इट द पावर m2x प्लस c3 इट द पावर -3x, ये वाज सीएफ, पीआई 0 है, मतलब यही इसका सॉल्यूशन हो गया, y इज इक्वल टू। अरे बाबा, जब राइट हैंड साइड किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 0 होगा तो पीआई होता ही नहीं है वहां पे, तो डायरेक्ट सीएफ आंसर हो जाता है, ओके टेंशन मत लो। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, इसको बोला जाता है मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन से इक्वेशन सॉल्व करना जिसके फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। यस, ये भी हो गया, ओके फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इज इक्वल टू, वो नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, पी आई या सी एफ क्या पूछा है वो नहीं समझ में आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे मे बी पी आई पूछा होगा, PI इज इक्वल टू देखेंगे अपन वन बाय वन, पहले ऊपर से शुरू करते हैं, ये तो हो गया ना अभी, अब बचे वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, वो कॉचिज और लेजेंडरीज के हैं, कॉचिज और लेजेंडरीज के, इसमें मजा आएगा आपको। ये अभी तक क्या पूरा पांचेट था, बेसिक, जस्ट अ सेकंड, कितने मिनट का हुआ है वीडियो, 23 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू इट द पावर जेड, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाय डी एक्स प्लस 5y। दोस्तों जो आपका बुक है, सॉरी जो आपका क्वेश्चन बैंक है, उसमें करेक्शन है, यह बात याद रहे, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसकी जगह पे आपको पता है क्या आता है, डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई माइनस 3dy प्लस 5y x यानी टू द पावर z और साइन log x यानी z। यस, क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर इंटू, अरे बाबा ये कॉचीज है, कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता है डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्या आता है डी वाई, एक्स होता है इट द पावर जेड और लॉग एक्स होता है जेड। ओके दोस्तों, सो देयरफॉर डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d मतलब माइनस 4d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू इट द पावर 2z इंटू साइन जेड। तो प्यारे दोस्तों, ये वो आपका सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हुआ है।
जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो मिटा देंगे। यस, जो हो गया वो मिटा देंगे दोस्तों। हाँ, अब उसके बाद में उसके अलावा क्वेश्चन है टू रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर टू एल डी विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, टू एल डी विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट इज सब्स्टिट्यूशन इज ऐसा है वो क्या करना है, उनका बोलना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो ये कौन चीज है, जितना एक्स का पावर उतना डेरिवेटिव ऑर्डर अगर पूरे इक्वेशन में थ्रू आउट है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉचीज एलडी। क्या बोला जाता है, कॉचीज एलडी। और कॉचीज एलडी में क्या होता है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू इट द पावर जेड, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड डी इज इक्वल टू डी बाई डी जेड। कॉचीज का पूरा बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा इसका होता है एक्स डी वाई। मेन यहां पे आंसर ये है, बाकी बातें मैं बता रहा हूं इसका, डी वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई। तो ये हुआ टोटल कॉचीज का बेसिक, अच्छे से याद रखो इसका। सी एफ और पी आई पहले झेड की भाषा में आता और फिर बाद में झेड को एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई थिंक ये भी हो गया है। यस ये हो गया है, लिखा ना मैंने क्वेश्चन के साथ लिखा ना उधर। हाँ, अब थोड़ा सा ये लेजेंडरी का बताएंगे आपको, डोंट वरी, जल्दी जल्दी शेख साहब वीडियो अपलोड करने पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा आज तो। हाँ, आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस बी, जैसे एक्स इज इक्वल टू इट द पावर जेड होता है ना, तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड होता है यहाँ पर, देयरफॉर। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, वो थोड़ा सा उसमें चेंज किया अपन ने और थोड़ा सा मोबाइल हट होने की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, फिर से शुरू करते हैं। टू रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस टू डी वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन इंटू एल डी विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट सब्स्टिट्यूशन इज, तो आपको पता है ना, पुट एक्स प्लस बी, पुट जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसा होता है ना। सो यहां पे ऑप्शन में जो भी होगा जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, देयरफॉर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू इट द पावर जेड, ऐसा आएगा। मतलब यहां पे एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस बी की जगह क्या है, एक्स प्लस टू है, तो देयरफॉर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड विल बी द करेक्ट आंसर। याद रहे लॉग ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो इसका एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्जन होता है। तो एक्स प्लस बी की भूमिका में यहां पे क्या है दोस्तों, एक्स प्लस टू है, टेंशन ना लो। ओके, ये हो गया इसका। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव का माइनस फोर एक्स इंटू वाई डैश प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई माइनस फोर डी वाई प्लस सिक्स वाई, एक्स का होगा इट द पावर जेड। अपने को उन्होंने पूछा है पी आई, तो पी आई निकालेंगे ना अपन। ये कॉचिस का है ना ये पुटिंग, आपको पता है डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इट द पावर फाइव जेड। तो दोस्तों इसका पी आई होगा वन अपॉन एफ ऑफ डी, यानी डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू द पावर फाइव जेड, पुट डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाइव, सो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फाइव प्लस सिक्स ऑपरेटिंग ऑन इंटू द पावर फाइव जेड। ये दोनों जीरो हो जाएगा, पच्चीस माइनस पच्चीस वन बाई सिक्स इट द पावर फाइव जेड। अब इट द पावर फाइव जेड का, इट द पावर जेड का एक्स है, तो फिर से एक्स टू द पावर फाइव अपॉन सिक्स, ये इसका आंसर होगा क्योंकि इट द पावर जेड
यानी यहां पे एक्स है दोस्तों, ये क्वेश्चन का देख लो एक बार अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं, डस्टर उधर रखा है जाने को, परवड़ था नहीं बार बार, चलो हाथ को डस्टर बना देते हैं। सो उसके बाद का क्वेश्चन आप देख रहे हो, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव ऑफ डी का होल स्क्वायर, सॉरी फाइव ऑफ डी का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, साइन ऑफ हाइपरबोली ए एक्स प्लस बी। तो यहां पे आपको पता है एक्चुअली यहां पे फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, फाइव ऑफ ए स्क्वायर चाहिए वहां पे, सही में अगर देखा जाए तो फाइव ऑफ ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हाइपरबोलिक आया तो सब्स्टिट्यूशन अलग होता है। सो इसका फाइनल आंसर होगा फाइव ऑफ ए स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस बी, वेयर दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो कैंसिल होता है दोस्तों, समझ में ये बात। और मान लो अगर साइन की जगह कॉस है तो सेम आंसर आएगा, यहां पे भी साइन की जगह कॉस आएगा और यहां पे भी साइन की जगह कॉस आएगा, मतलब साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक अगर आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब वन अपॉन फाइव ऑफ डी स्क्वायर की जगह फाइव ऑफ ए स्क्वायर आएगा, बट यहां पे याद रहे फाइव ऑफ ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये हाइपरबोलिक का सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर में ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे, वो अपलोड होगा कल रात में, या कल तो मुझे थोड़ा शेड्यूल बिजी है, कल रात पे ही अपलोड करूंगा, देख लेना एक बार दोस्तों। तो यम3 बामू वाले स्टूडेंट्स स्टे ट्यून विथ एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस, मोविंग शेख, थैंक यू।